सीतापुर जनपद में सप्लाई इंस्पेक्टर व एडीएम बनकर करते थे अवैध वसूली, ग्राम प्रधान व कोटेदारों पर दिखाते थे रौब। एक मारुति कार सहित तीन लोग गिरफ्तार, तीनों मिश्रिक थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रधान की तहरीर पर दर्ज हुआ इमलिया सुल्तानपुर थाने में मुकदमा। आपको बताते चलें कि इन लोगों का ये कारनामा काफी दिनों से चल रहा था। ये लोग उस गांव में जाते थे जहां कोई घोटाले का मामला होता था। ये लोग अपने आप को अधिकारी बताकर जांच करने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली करते थे। आज भी अपनी कार से राशन की दुकान का चुनाव कराने ब्लॉक एलिया के सुहाई गांव में पहुंचे थे और अपने आप को सप्लाई इंस्पेक्टर बताकर रौब दिखा रहे थे। वहां के ग्राम प्रधान ने असली सप्लाई इंस्पेक्टर को बुला लिया, तब इन लोगों का मामला उजागर हुआ। वहीं तीनों आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की तो ग्रामीणों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। पूछताछ में पता चला कि ये तीनों अपराधी मिश्रिक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग ग्राम प्रधान व कोटेदार को अपना निशाना बनाते थे और उनसे अवैध वसूली करते थे। तीन व्यक्ति, इनमें एक का नाम सौरव है, दूसरे का नाम रवि प्रकाश है और तीसरे का नाम सुकुमार पांडे है। ये लोग कभी एडीएम बनकर, कभी सप्लाई इंस्पेक्टर बनकर, या कभी सचिवालय के बाबू बनकर, या कभी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाबू बनकर अलग अलग शिकायतों की जांच करने के लिए आते थे और लोगों से पैसा वसूलते थे। यह भी तथ्य आया है इसमें कि इन्होंने कई लोगों से नौकरी के नाम पर पैसा ले रखा है और जिनका पैसा वापस नहीं किया है। इस संबंध में थाना एमिलिया सुल्तानपुर का इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर कितने लोग सर पकड़े गए? सर तीन लोग। ये आप कहाँ से पकड़े गए? पकड़े नहीं सर गए, हम तो पूछ रहे थे, हम आ रहे थे वापस। कहाँ पूछ रहे थे? ये पुलिया पे सर, चौराहे पे। क्या पूछ रहे थे? कोटे का जो इलेक्शन तो चुपचाप क्यों कराया? तो आपका क्या नाम है? सौरभ वाजपेयी। अच्छा, कई बजे पकड़े गए आप लोग? 3:03। अच्छा, किससे मिलने जा रहे थे? तीन जगह गए आप? तीन चार जगह? नहीं, पब्लिक ने कब बताया? दो चार कोटेदारों ने बताने को, चाहे जितना फिर उड़ाओ। अच्छा, परसेरा गांव आए थे हम सिर्फ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के थे? मिश्रिक के।